आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। यूपी की सियासत में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। 7 चरणों में सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तो वहीं 22 के सियासी बयान में अब सोशल मीडिया पर चुनावी घमासान तेज हो चुका है। सोशल मीडिया पर सत्तासीन भाजपा और मुख्य विपक्षी दल सपा के बीच की तकरार अब खुलकर सामने आ रही है। और इस बार जो मुद्दा बना है वो है सपा के प्रत्याशियों की लिस्ट। देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही हैं। समाजवादी पार्टी ने भी 159 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। सपा की जारी लिस्ट में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण की सीटें शामिल हैं। सपा की पहली लिस्ट में 31 मुस्लिम, 18 यादव, 31 अनुसूचित जाति और 11 महिलाओं को टिकट दिया है। वहीं दूसरी ओर सपा की पहली प्रत्याशियों की लिस्ट पर सत्ताधारी भाजपा लगातार तंज कस रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर सपा पर आरोप के साथ साथ कई सवाल उठाए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी के स्थापना दिवस पर सपा ने उम्मीदवारों की सूची में यूपी के गौरव को धूमिल करने वालों, अस्मिता का मान मर्दन करने वालों का नाम घोषित किया है। प्रदेशवासियों और उत्तर प्रदेश का अपमान किया है। सपा की लिस्ट तो नहीं है पर प्रत्याशी अपराधी ही हैं, जिन पर मुकदमों की भरमार है। ये सूची तो बस झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। प्रदेश में डर और दहशत फैलाने का इन्होंने आज ट्रेलर दिखाया है। मौर्य ने कहा कि सूची से उनका चरित्र उजागर हुआ है। यूपी दिवस के साथ ही बालिका दिवस पर बलात्कारियों को टिकट देकर अपनी मंशा जाहिर की है और प्रदेश की जनता का अपमान किया है। इनकी सूची में दुष्कर्मी, महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध, यौन हिंसा करने वाले लोगों के नाम शामिल हैं। अली, असलम, चौधरी, इरफान, सोलंकी जैसे नाम बच्चे बच्चे जानते हैं। सपा ने दुर्दांत अपराधियों और गलत लोगों को टिकट देकर दहशत फैलाने का काम किया है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ट्विटर पर सपा की लिस्ट पर तंज कसते हुए लिखा कि लिस्ट नहीं, अपराधी वही, लेकिन उसमें दिए गए प्रत्याशी वही अपराधी हैं। उन्होंने कहा सपा के प्रत्याशियों की नई सूची से उसका चरित्र उजागर हुआ है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी भाजपा के आरोप प्रत्यारोपों के बीच किस तरह सपा अपना बचाव करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। एक पुरानी राजनीतिक कहावत है कि रायसीना हिल्स का रास्ता यूपी से होकर जाता है, और हर बार जब यूपी में चुनाव की घोषणा होती है तो सभी पार्टियां एक दूसरे के समर्थकों में सेंध लगाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाती हैं। कोई पार्टी वादों की लड़ी लगाती है तो कोई प्रचारकों और प्रत्याशियों की सूची जारी करती है। लेकिन इस बार यूपी के रण में कुछ अलग ही बयार बह रही है। राजनीतिक दलों ने स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की है, लेकिन लिस्ट में पड़ोसी राज्य के राजनेताओं और मंत्रियों की जगह नहीं दी गई। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। और वार पलटवार का खेल भी जोरों शोरों से शुरू हो गया है। हालांकि सभी पार्टियों के कार्यकर्ता पूरी तरह से मैदान में उतर गए हैं।
वहीं कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग भरने के लिए दलों ने उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है। जबकि आगामी चुनावों के पहले चरण के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि ये सूची जैसे ही सामने आई राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई, क्योंकि इस लिस्ट ने सबको हैरान कर दिया। जिसकी वजह रही कि दोनों ही बड़े दलों ने, यानी कि कांग्रेस और भाजपा ने, विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के नेताओं को नहीं शामिल किया। कांग्रेस ने जहां 30 नेताओं की प्रचारक लिस्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्टार कैंपेनर बनाया, तो वहीं मध्य प्रदेश के बड़े और चर्चित नेता कमलनाथ और दिग्विजय को इस लिस्ट में जगह नहीं दी गई, जबकि सचिन पायलट से भी कांग्रेस ने दूरी बनाई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने स्टार कैंपेनर लिस्ट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े कद्दावर नेताओं को स्टार प्रचारक नहीं बनाया है, जबकि ये दोनों नेता ही अपनी भाषण शैली के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में इन बड़े नेताओं को सूची में शामिल नहीं किए जाने पर सबके मन में यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश के नेताओं से दूरी बनाई गई है। आपको बता दें, यूपी के जिले मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगते हुए हैं, ऐसे में वहां के नेता कई बार उत्तर प्रदेश की जनता का हमदर्द बनते दिखाई देते हैं, और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के नेता बड़ी भूमिका अदा कर सकते थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि दोनों ही पार्टियों की आलाकमान को क्या एमपी में ऐसा कोई नेता नजर नहीं आया जो प्रदेश की जनता को अपने भाषणों के जरिए जनता का रुझान अपनी पार्टी के पक्ष में कर सके और चुनावी जीत दर्ज कराने में सक्षम हो। अब अगर दो पार्टियों ने सूची जारी की है तो प्रदेश की बड़ी विपक्षी पार्टी यानी कि सपा भी पीछे कैसे रह सकती है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पहली लिस्ट जारी की। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत 30 प्रचारकों के नाम इस सूची में है। साथ ही हाल ही में भाजपा से इस्तीफा देकर आए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी इस सूची में शामिल है। सपा के प्रचारकों की सूची में दो मुस्लिम नेताओं के नाम भी हैं। भाजपा सरकार के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री पद से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हुए मौर्य को भले जगह मिली है, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा देकर सपा में शामिल होने वाले दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी को ये अवसर नहीं मिल पाया। वहीं जहां उत्तर प्रदेश में तीन बड़ी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस, भाजपा ने
इस बार मध्य प्रदेश के नेताओं से दूरी बना ली है। तो वहीं सपा ने भाजपा के बागी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा की प्रचारक लिस्ट में जगह दी है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इतने प्रचारकों की सूची जारी होने के बाद कौन सी पार्टी यूपी में अपना माहौल बनाने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। प्राइम टीवी की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।